मंडप छोड़ दुल्हन पहुंची मतगणना स्थल, सर्टिफिकेट लेने के बाद पहनाई दूल्हे को वरमाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। रामपुर में घर बारात आ गई थी, दुल्हन मंडप में चली गई थी। जैसे ही शादी के मंडप में बैठी दुल्हन को यह पता चला कि बीडीसी के पंचायत चुनाव में उसे जीत मिली है। वो मंडप छोड़ सर्टिफिकेट लेने के लिए मतगणना स्थल पहुंच गई। दुल्हन को जब सर्टिफिकेट मिल गया तब वह वापस आकर दूल्हे को जयमाला पहनाई। शादी का जोड़ा पहने आभूषणों से लदी एक नई नवेली दुल्हन मतगणना स्थल पर पहुंची तो हर कोई देखता रह गया। रामपुर जिले के मलिक ब्लॉक के मोहम्मदपुर जदीद गाँव की पूनम शर्मा के कल रविवार को शादी थी। मंडप में दूल्हे को वरमाला पहनाने से पहले ही उन्हें पता चला कि वह जीत गई हैं और सर्टिफिकेट लेने पहुंचना है, जिस पर दुल्हन के लिबास में वे मंडी समिति पहुंची। आरओ ने बताया कि उन्हें 601 वोट मिले हैं और वे 31 मतों के अंतर से चुनाव जीती हैं। आरओ ने सर्टिफिकेट देते हुए बधाई भी दी। इसके बाद तमाम लोगों ने जीत और शादी की मुबारकबाद दी। यहाँ से जाने के बाद पूनम ने दूल्हे को वरमाला पहनाई। जी, क्या नाम है आपका? हाँ, कहाँ रहती हैं आप? मोहम्मदपुर जदीद। अच्छा, आज आप मतगणना स्थल आई हैं। आज पंचायत चुनाव का मतगणना चल रही है मंडी में, तो आप क्यों आई हैं? बीडीसी मेंबर है। अच्छा, आप छत्तीस के चुनाव जीती हैं आप? हाँ, बीडीसी के चुनाव जीती हैं आप? जी। अच्छा, हम देख रहे हैं आप पूरी दुल्हन के रूप में सजी हुई हैं पूरी, तो ये क्या है आपका? ये हमारी शादी आपकी आज। अच्छा, तो क्या हुआ शादी में? क्या क्या रस्में पूरी हो चुकी हैं अभी तक आपकी? सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं, जयमाला पढ़नी बाकी। अच्छा, जाना नहीं पड़े अभी जी। तो क्या आप क्या करेंगी आप यहाँ से? प्रमाण पत्र यहाँ क्या करने आई हैं आप? मैं पास लेने आई हूँ। इसके बाद क्या करेंगी फिर आप? घर जाके शादी होगी। शादी जो विवाह समारोह चल रहा है, कहाँ चल रहा है? गाँव में चल रहा है, घर पे। अच्छा, तो क्या ऐसा आपको लग रहा है कि एक तो